Hey guys, welcome to my channel Foodology by Shweta. Today we are going to make very popular snacks vegetable cutlet. Vegetable cutlet is a combination of mashed potato and green vegetable, which is crisp outside and soft inside. So without further delay, let's start. बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं 7 बॉइल्ड मैश पोटैटो, 1 कप ग्रेटेड कॉलीफ्लावर, 1/3 कप बीटरूट, 1/3 कप पीस, 1/2 कप कोर्सली ग्राइंडेड वर्मसिली, 1/3 कप बीन्स फाइनली चॉप, 2 पीस ब्रेड, सॉल्ट, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून ड्राई मैंगो पाउडर, ऑयल, पिंच ऑफ हल्दी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। अब गोभी डालें और अच्छी तरह सॉटे कर लें। सॉल्ट डालें और मिला लें। बीन्स डालें और अच्छी तरह मिला लें। ब्लैक पेपर और रेड चिली डालें और अच्छी तरह मिलाएं। मटर डालें और 1 मिनट तक कुक करें। आमचूर पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इनको ठंडा होने दें। एक बोल में बॉयल पोटैटो लें। पानी में ब्रेड को डाल के अच्छी तरह स्क्वीज कर लें और फिर इसे बॉयल पोटैटो में मिक्स कर लें। रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, आमचूर पाउडर, हल्दी डालें और अच्छी तरह मिला लें। मिक्सचर का स्मॉल पोर्शन लें और उसे एक शेप दे दें। उसे कटोरी की तरह बना के पहले लेयर में उसे बीटरूट डालें, फिर स्टफिंग डालें और फिर उसके ऊपर वापस बीटरूट डाल के अच्छी तरह सील कर लें। अब बर्मिसली या सूजी में रोल कर लें। कढ़ाई में तेल गर्म कर लें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें कटलेट को डाल दें। उसे मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से लाइट ब्राउन होते हुए डीप फ्राई कर लें। कटलेट अब फ्राई हो गया है, उसे प्लेट में निकालें। आइए अब इसे एयर फ्रायर में बनाते हैं। एयर फ्रायर में बनाने के लिए इसे 200 डिग्री पर 2 मिनट तक प्री हीट करें। बास्केट ओपन करें, उसे ऑयल से ग्रीस करें और सारे कटलेट को डाल दें। 10 मिनट का टाइम सेट कर लें। 10 मिनट के बाद उसे फ्लिप करें और 5 मिनट और कुक कर लें। बास्केट ओपन कर लें। कटलेट अब रेडी हो गया है। इसे गर्मा गर्म टैमरिंड चटनी के साथ सर्व करें।